तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग भी देख ली थी। अब इस टॉपिक का ये लास्ट चैप्टर, सॉरी ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मेटलर्जी। तो मेटलर्जी हम लोग देख रहे हैं, तो मेटलर्जी मतलब समझ लेते हैं मेटलर्जी होती क्या है। तो देखिए, आपको मालूम है कि हमारे जितने भी मेटल्स हैं वो तीन फॉर्म, यानी कि वो फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं। कुछ मेटल जैसे सोना हो गया, वो फ्री फॉर्म में पाया जाता है, और कुछ हमारे कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं जिन्हें हम ओर कहते हैं, यानी कि इम्प्योरिटीज के फॉर्म में। जैसे कोई मेटल है उसके साथ में सैंड अटैच है, सल्फाइड है, कार्बोनेट के इम्प्योरिटीज अवेलेबल हैं उसके अंदर में, तो वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। तो दो तरीका हो गया, एक तो प्योर है और एक नॉन प्योर है। तो जो प्योर फॉर्म में नेचर में पाया जाता है उसका डिस्ट्रैक्शन बहुत आसानी से हो जाता है, वो दिखते हैं आसानी से, हम उन्हें निकाल लेते हैं, मेल्ट कर लेते हैं, वो प्योरीफाई हो जाते हैं। लेकिन जो नॉन प्योर है, जो निकाले जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट के में केमिकल इम्प्योरिटीज होती है, उनको डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के थ्रू प्योर किया जाता है स्टेप टू बाय स्टेप, और उनको अलग अलग किया जाता है। अब आपको मालूम है मेटल हमारे तीन तरह के होते हैं, एक हाई एक्टिव मेटल, मॉडरेट एक्टिव मेटल, लो एक्टिव मेटल। यानी कि मेटल को डिफाइन करने के लिए हम उन्हें तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं फॉर स्टडी ऑफ मेटलर्जी। तो पहला देखिए, एक सीरीज मैंने ये बना ली है, ये सीरीज आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, आपने देख रखी है इसको। इसमें हाइड्रोजन मैंने गायब कर दिया क्योंकि वो मेटल नहीं है, इसलिए गायब किया है। अब इस सीरीज में जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाई एक्टिव मेटल्स हैं, ये हमारे सारे हाई एक्टिव मेटल्स हैं ये। अब जिंक से लेके कॉपर तक की बात कर लेते हैं, ये हमारे मॉडरेट हैं, मॉडरेट मतलब हैं एक्टिव मेटल्स हैं, ये मॉडरेट एक्टिव मेटल्स हैं, और ये तो बहुत ही लो एक्टिव मेटल्स हैं। लो एक्टिव मेटल्स हैं, तो हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब जितने हाई एक्टिव मेटल्स हैं, तो ये अलग अलग डिवाइड होने की वजह से क्या हमें फायदा मिलता है, देखिए जितने भी हाई एक्टिव मेटल्स हैं या मॉडरेट हैं या लो एक्टिव मेटल्स हैं, इन मेटल्स को हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करते हैं इन द फर्नेस, भट्टियों में, यानी कि इनको हम जलाते हैं, उससे गैस निकालते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करते हैं। लेकिन जितने हाई एक्टिव मेटल्स हैं, लाइक सोडियम पोटेशियम, ये तो बहुत हाई एक्टिव मेटल, इसको आप अगर जलाओगे या आप इसको फर्नेस में डालोगे तो ये तो कभी प्योर होगा ही नहीं, या हमेशा ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा। क्योंकि आपने पता है कि अगर प्योर सोडियम को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद करेंगे तो ये तो बना देगा ऑक्साइड, अगर आप इसको निकालोगे सर। तो यानी कि जितने भी हाई एक्टिव मेटल्स हैं हम उनके प्रोसेस अलग हैं, उनको अलग तरीके से हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं। मॉडरेट और लो एक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्शन हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में करते हैं। तो सबसे पहले हाई एक्टिव मेटल्स जितने भी हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन्हें एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ये मेथड हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग यूज करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। जितने भी हमारे मॉडरेट एक्टिव मेटल्स हैं, यानी कि मीडियम एक्टिव मेटल्स हैं, इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं रिडक्शन ऑन कार्बन, रिडक्शन ऑन कार्बन। और जितने हमारे लो एक्टिव मेटल्स हैं उनको भी हम लोग, ये हमारे बेसिकली इनको हम कह देते हैं फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, ये क्लियर। अब जितने भी इस आपके जो स्ट्रैक होना है, जितने भी ये आपके इस टाइप के मेटल होते हैं, इसमें इस ये जो मेटल्स होते हैं इनमें जो आपको ये जो हम नेचर से इन मेटल्स को निकालते हैं, तो ये मेटल्स हमारे फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, इन मेटल्स में इम्प्योरिटीज होती है जिन्हें हम लोग ओर कहते हैं। और ये जो ओर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से ओर पाए जाते हैं, यानी कौन कौन सी इम्प्योरिटीज इन लोगों के साथ में अटैच होती है, तो वो इम्प्योरिटीज होती है कार्बोनेट की और सल्फाइड की, सल्फाइड एंड कार्बोनेट, कार्बोनेट की
इम्प्योरिटीज होती है, इस वजह से इन मेटल्स के ओर को हम लोग सल्फाइड ओर या फिर कार्बोनेट ओर भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। जो फ्री फॉर्म में पाया जाता है उनमें भी सल्फाइड ओर्स ही पाए जाते हैं, कुछ कुछ तो फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं लेकिन कुछ और भी, जैसे कॉपर भी हमारा वो भी लोग में ही जाता है कभी कभी, तो कॉपर जो हमारा लोग है उसमें सल्फाइड के ओर्स पाए जाते हैं, सल्फाइड ओर्स ही यानी कि सल्फाइड इम्प्योरिटीज होती है। इतनी बात क्लियर हो गई, तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे वन बाई वन करके स्टार्टिंग करेंगे हम लोग यहाँ से लो हैक्रोमेटल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लो एक्टोमेटल्स को, तो लो एक्टोमेटल की हेडिंग आप लोग डालोगे डिस्ट्रैक्शन ऑफ लो एक्टोमेटल्स। डिस्ट्रैक्शन ऑफ लो एक्टोमेटल, आपको याद है कौन कौन इसमें कौन से ओर्स पाए जाते हैं, फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सल्फाइड ओर के कौन जा, सल्फाइड ओर के फॉर्म में ये पाया जाता है। कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, अब सपोज है आपने जमीन से लो एक्टिव मेटल वाले आपने मेटल्स को मिल गए, इसमें सल्फाइड ओर्स होंगे यानी कि मेटल के साथ में सल्फाइड की इम्प्योरिटीज होंगी उसके साथ में, अब वो आपको एक मिला पूरा का पूरा ओर, अब आप उसको क्या करोगे, आप उसको अपने इंडस्ट्रीज में या लैब में लेके आओगे, तो लैब में लेके आने पर आप क्या करोगे, ये जो सल्फाइड ओर है यानी कि आप इसके सल्फाइड ओर का मतलब इसमें मेटल होगा और सल्फाइड होगा, यानी कि दो तरह की चीजें होंगी इसके अंदर में, यानी कि आपको दो तरह की चीजें इसमें देखनी है। हाँ, तो मैं उनको सल्फाइड ओर के फॉर्म में जो पाया जाता है उनको एक्सट्रैक्शन करना है, तो कैसे आप करोगे, मेटल सल्फाइड होगा आपके पास में जो आप निकाल के लेके आए जमीन से, आप उसको हीट करोगे, जब आप हीट करोगे तो सल्फाइड हमारा हटेगा और वहां पर ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो उसको कहेंगे मेटल ऑक्साइड होगा, उसको और आप ओवर हीट करोगे, जब आप ओवर हीट करोगे तो आपका मिल जाएगा मेटल, यहाँ पर आपका मेटल मिलेगा, क्लियर हो गया। अब जो सल्फाइड ओवर है वो आपका कैसे हटेगा, एक फॉर्म आप सल्फाइड डाइऑक्साइड के फॉर्म में हटेगा, और जब ऑक्साइड आपको हटाओगे तो वो हटेगा एक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देते हैं, सपोज है हमारे पास में था मरकरी, मरकरी हमारा AgAu, मरकरी हमारा AgAuHg सबसे लास्ट में जाता है, लिखा नहीं था टेबल में हमने, आप बैक जो प्रीवियस बैक करके देखो टेबल में सबसे लास्ट में Hg लिख देना आप, तो Hg को हमारा सबसे दो एक्टिवेटर्स है, इसके साथ में सल्फर जोड़ दो, ये हो गया मरकरी सल्फाइड, और मरकरी सल्फाइड हमारा एक तरह का ओर है, अगर आपको इसमें से मरकरी निकालना है तो आप क्या करोगे, आप इसको हीट करोगे, तो हीट करने पर क्या होगा, Hg अलग होगा और सल्फर डाइऑक्साइड आपका अलग होगा जो गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, रिएक्शन को आप बैलेंस करोगे, तो HgS हीट आप जब कर रहे हो तो हीट करने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना, ऑक्सीजन बैलेंस को करोगे तो Hg आप जब हीट कर रहे हो किसी भी चीज को तो वहां पर ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर ऑक्सीजन आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मरकरी ऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिएगा, आप रिएक्शन को जो बैलेंस करेंगे, मैंने भी करा हुआ है आपको, मैं ए कर दे रहा हूँ बाकी आप कर देना, वो यहाँ पर शुरू कर जाएगा। अब देखिए, अब आपको मरकरी ऑक्साइड मिल गया, अब मरकरी ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड मिल गया, मेटल ऑक्साइड को ओवर हीट करोगे तो आपको मेटल मिलेगा, यानी कि मरकरी को आप और हीट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर Hg और ऑक्सीजन हमारा अलग हो जाएगा, रिएक्शन को आप अपने हिसाब से बैलेंस करोगे, तो देखिए एक्सट्रैक्शन हो गया, यानी कि मरकरी मरकरी सल्फाइड को हम लोग इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये तो हो गया हमारा एक एग्जांपल मेटल एक्सट्रैक्शन का। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आता है,
एक क्वेश्चन आता है सीने बार क्या होता है, तो जो HGS है उसको कहते हैं सीने बार, सीने बार। तो वो क्वेश्चन पूछते हैं कि सीने बार को, जब की सारी चीज आपको याद हो जाए, सीने बार को हाउ स्ट्रैक्ट सीने बार, हाउ स्ट्रैक्ट मर्करी फ्रॉम सीने बार, कि आप सीने बार से मर्करी कैसे स्ट्रैक्ट करोगे। तो आपको सारी चीजें भी लिखनी पड़ेगी, आपको ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी और इधर कोई भी क्वेश्चन भी आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर होगी एक बार। एक एग्जाम्पल और हम लोग चलते हैं कॉपर वाले, कॉपर वाले में हमारा जो है मतलब सी है पेपर आपसे उसमें सीरीज में देखो बदलने का। एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर टू, अब कॉपर में भी हमारा सल्फर होता है, सल्फाइड ही और होता है, और कॉपर सल्फाइड हो, यहाँ पर कॉपर जो हमारा है, जो कॉपर है हमारा वो किस स्टेट में है, फर्स्ट स्टेट में है, तो कॉपर सल्फाइड है हमारा। कॉपर सल्फाइड को में से कॉपर अगर आपको निकालना है, तो कॉपर सल्फाइड से अगर आपको कॉपर निकालना होगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको हीट करोगे, हीट किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या होगा सल्फर डाइऑक्साइड अलग होगा। उसके बाद आप कॉपर को कॉपर सल्फाइड से फर्दर रिएक्ट कर दोगे, तो फर्दर सर कैसे होगा, कैसे होगा आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए आप इसको हीट करोगे तो आपका बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड प्लस का सल्फर डाइऑक्साइड, रिएक्शन को बैलेंस कर देगा। अब यहाँ पर क्या होना है, इसके बारे में आप क्या कर रहे थे, ओवर हीट कर दे रहे हैं, यहाँ ओवर हीट नहीं करना है। अब क्या होगा, ये कॉपर ऑक्साइड इस कॉपर सल्फाइड के साथ फर्दर रिएक्शन करेगा, फर्दर रिएक्शन करेगा हीट पे, तो आपका बन जाएगा यहाँ पर कॉपर बन जाएगा और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। इन रिएक्शन में हमारा देखो एग्जांपल नंबर टू में कॉपर सल्फाइड से हमारा क्या निकल गया, कॉपर, एग्जांपल नंबर टू में हमारा ये हो गया। तो आप ऐसे भी को किस तरह कर रहे हैं, तो आप देखोगे व्हेन द कॉपर फर्स्ट सल्फाइड, कॉपर फर्स्ट सल्फाइड इज नॉट अ सेकंड, कॉपर फर्स्ट सल्फाइड आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन फॉर्म कॉपर ऑक्साइड एंड दिस कॉपर ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट विद कॉपर सल्फाइड, यानी कि आपस में फिर से वो रिएक्ट करते हैं, देन फॉर्म अ स्ट्रैक्ट इन प्योर फॉर्म, यानी कि मेटल कॉपर, और बाय द रिलीजिंग ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप ये आज के थ्योरी क्वेश्चन में लिखोगे। तो ये तो हो गई आपकी लो एक्टिवेटर की बात, अब हम लोग चलते हैं मॉडरेट एक्टिवेटर में। तो मॉडरेट एक्टिवेटर में देखते हैं क्या क्या आता है। मॉडरेट एक्टिवेटर, मॉडरेट एक्टिवेटर में हम क्या करते हैं, मॉडरेट एक्टिवेटर में हमारे कौन कौन से फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ, फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ, किस किस रूप में पाए जाते हैं, कार्बोनिक और एंड सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, दो तरह के देखो यहाँ पर चीजें आ जाएंगे। अगर आपका मेटल सल्फाइड है, सल्फाइड लिख देना है, अब देखिए अगर आपका मेटल सल्फाइड सपोज है, अगर आप उसको हीट कर रहे हो, अगर आप उसको हीट कर रहे हो तो आपका रिलीज होगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगर सपोज है आपका मेटल कार्बोनेट है, याद रखना इसको, अगर आप उसको हीट कर रहे हो तो आपका रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मेटल सल्फाइड में SO2 रिलीज हो रहा है तो आप उसको कहोगे कि इसमें जो मेटल ऑक्साइड दोनों में बनेगा, देखो हमें अभी एक और बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड दोनों निकलेगा, बट एक प्रोसेस अगर सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है तो उस प्रोसेस को कहेंगे रोस्टिंग, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उसे कहेंगे कैल्किनेशन। वैसे इसका और भी तरीके हैं पहचानने के, लेकिन इस तरीके से आता है, क्लियर। तो एक कैल्किनेशन और एक इसका रोस्टिंग है, तो एक एक करके दोनों हम लोग देखते हैं।
तो एक हम लोग सल्फाइड ओर का देख लेते हैं और एक हम लोग कार्बोनेट ओर का देखते हैं। दोनों में देखते हैं कैसे कैसे मिसट्रैक्ट होता है। तो एग्जाम्पल एक एक दोनों का एग्जाम्पल लेके जाते हैं, यानी कि एक कोस्टिंग एग्जाम्पल और एक कार्बोनेट का एग्जाम्पल से देखिए। सपोज दैट हम जिंक सल्फाइड लेके चल रहे हैं, जिंक सल्फाइड ठीक है, जिंक सल्फाइड हमको इसे हीट करना है। सबसे पहले तो हीट करेंगे, हीट करेंगे तो ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ बनेगा ZnO और इसके साथ में रिलीज होगा सल्फर डाइऑक्साइड। रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करेंगे। रिएक्शन बैलेंस करने के टाइम पे देख लो भाई, मेरे पास बैलेंस करा हुआ है, आपको कर लेना। रिएक्शन बैलेंस हो गए। अब जिंक ऑक्साइड को कार्बन में ओवर हीट करेंगे, जिंक ऑक्साइड को कार्बन पे हीट करेंगे। अब देखो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो गई है और जो कार्बन पे आप ओवर हीट करोगे तो इसमें बनेगा जिंक, यानी कि आपका जिंक निकल जाएगा और इसके साथ बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर आपका देखो स्ट्रैक्ट हो गया। ये सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होने की वजह से इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, रोस्टिंग। कैलकुलेशन वाला एग्जांपल एक देखिएगा, कैलकुलेशन वाला एग्जाम्पल। तो कैलकुलेशन में अगर हम जिंक कार्बोनेट लेके चले ZnCO3, इसको अगर हम हीट कर दें तो हीट करेंगे तो यहाँ बनेगा ZnO प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या हमारा प्रोसेस हुआ, कैलकुलेशन। अब जिंक ऑक्साइड को फर्दर अगर हम ओवर हीट करें सेम प्रोसेस कार्बन के साथ में तो क्या बनेगा, ZnO बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए स्ट्रैक हो गया, जिंक प्योर फॉर्म में मिल गया, यहाँ पर भी जिंक प्योर फॉर्म में हमें क्लियर होने पर। अब देखो अगर एनसीईआरटी रीड करोगे तो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे बड़े आसानी से, आप यहाँ रीड कर सकते हो। एनसीईआरटी में मैंगनीज ऑक्साइड का भी एग्जांपल है और आयरन ऑक्साइड का भी, यानी कि थर्माइट रिएक्शन का भी एग्जांपल है। थर्माइट रिएक्शन याद, जैसे नंबर वन पे हमको आपको पढ़ाई थी Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है आपका, एल्यूमिनियम स्ट्रैक हो जाता है, वो भी रिएक्शन आप याद कर लो। ये तो हो गई बात आपके मॉडरेट रिएक्टिव मेटल की। अब मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स में आपने देखा था
और जो रिफाइनिंग होती है, रिफाइनिंग का मतलब होता है जो मेटल में अगर कुछ भी इम्प्योरिटीज अभी भी बची हुई है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू उसको भी रिमूव करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग रिफाइनिंग करते हैं। तो हो गई ये तो स्ट्रक्चर की बात। एक लास्ट टॉपिक है, व्हाट इज द कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कोरोजन क्या होता है। जितने भी मेटल्स हैं उनको अगर हम फ्री कहीं पर छोड़ दें तो वो हमारे एटमॉस्फेयर के साथ में रिएक्शन करने लगते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं उनके साथ रिएक्शन करते हैं। कॉपर है, कॉपर ब्लू कलर में कन्वर्ट होता है, वो आपका सिल्वर है ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता है, लोहा आयरन है ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो उस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन कहते हैं। ये लोग अलग अलग केमिकल रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट गैसों के साथ में करके डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स बनाते हैं, यानी कंपाउंड्स बनाते हैं, और उन कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं कि हमारा ये यानी कि जंग लग गई, ये हमारा कोरोजन हो गया है। क्या प्रिवेंशन है? जैसे क्वेश्चन आया था कि जो आयरन पिलर है, अशोक का आयरन पिलर है, उसको प्रोटेक्ट कर लिया गया है, तो जो प्रोटेक्शन है उसको कोरोजन का जो प्रोटेक्शन है उसको हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। आप एनसीईआरटी पढ़ो उसमें लिखा हुआ है, थ्योरी क्वेश्चन है इसलिए लिखवाना, हम यहाँ पर सिर्फ आपको बता रहे लिखने का कुछ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से हम लोग करते हैं जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, जिंक क्योंकि मेटल की कोरोजन नहीं करता है। उसके अलावा हम लोग उसमें पेंटिंग कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, इससे हमारा कोरोजन नहीं लगता है किसी भी मेटल से। तो ये हमारा कोरोजन का पार्ट हो गया। इसके साथ में ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अब आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बचा, इसके बाद यहीं से आपका हाफ ईयरली सिलेबस भी कम्प्लीट हो गया है। आप लोग इसके ऊपर से कम्प्लीट नोट्स बनाइएगा, नोट्स आपको एनसीईआरटी के थ्रू बनानी है, एनसीईआरटी जो आपके पास में है ऑलरेडी, अगर नहीं है तो आप पीडीएफ के थ्रू उसको डाउनलोड कर लीजिए। बस याद रखिएगा एक चीज़ को कि लेसन 1, 2, 3 में आपको ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट था, और इसमें जितनी भी केमिकल रिएक्शन आपको मैंने बताई, बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन नहीं है, अगर आप इनको लिस्टिंग करोगे तो 30 से 40 भी हम बहुत बोल दे रहे हैं, 30 रिएक्शन भी बहुत है, तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं है उनकी लिस्टिंग करो, लेकिन आपको रिएक्शन हर एक रिएक्शन आनी चाहिए। रिएक्शन अगर आपको नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, और जब क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि इसके थ्योरी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैं अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अब सीबीएसई के क्वेश्चन, तो जितना भी इनऑर्गेनिक क्वेश्चन था वो आपका कंप्लीट हो गया, अब नहीं है रिएक्शन बस खत्म हो गई, अब हम लोग डिफरेंट केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, यानी कि ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। उनका रूल अलग है, इनका रूल अलग था, ये हमने अलग पढ़ के खत्म कर दिया। तो आपको अब क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन सारी के लेसन 1, 2, 3 की जो केमिकल रिएक्शंस हैं, यानी कि आप लेसन 1 में आपने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी, लेसन नंबर 2 में एसिड बेस की प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी, उसके बाद साल का प्रिपरेशन मेथड पढ़ा था, लेसन नंबर 3 में आपने मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में केमिकल रिएक्शन पढ़ी है। तो ये सारी केमिकल रिएक्शन आपको कैसे आप उसकी प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, तभी वो आपको क्लियर होगा, नहीं तो फिर क्लियर नहीं होगा, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएं तो वो चीज़ें आपको समझ में आए। तो फिर थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।